रामपुर में प्रधानमंत्री किसान निधि का आगाज। रामपुर के सदर तहसील में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें रामपुर के 57,000 किसानों को चिन्हित कर पीएम किसान सम्मान निधि के तहत पहली किश्त का सम्मान निधि प्रमाण पत्र दिया गया। इस मौके पर मुख्तार अब्बास नकवी ने मीडिया से मुख्तलिफ होते हुए भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनवाई और विपक्ष पर तंज भी किया। इससे पहले हमने जो कई जो जरूरी कदम थे उन कदमों को उठाया, जिसमें कि किसानों के सिंचाई से जुड़े हुए महत्वपूर्ण सवाल थे, उसके साथ ही साथ जो है वो खाद से जुड़े हुए प्रश्न थे, इन तमाम चीज़ों का समाधान किया गया। जब पाकिस्तान जिस तरीके से देश के खिलाफ एक जंग छेड़ रही है, ऐसे में पाकिस्तानी सांसद आते हैं उनका सरकारी स्वागत होता है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक बात तो बहुत पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री में ताला लगना शुरू हो गया है। इस आतंकवाद के गुंडे का हुक्का पानी पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने बंद कर दिया है। और आज जो उनके जो उनको मददगार थे उनके, वो सारी मददगार जो हैं वो आज उस आतंकवाद के गुंडे के खिलाफ हैं। और वो सभी लोगों का ये मानना है कि इसकी नाकेबंदी भी होनी चाहिए पाकिस्तान की, और उसके इन तमाम आतंकी जो कारखाना है उसकी तालेबंदी भी होनी चाहिए, और इस दिशा में काम हो रहा है। जहाँ तक भारत का सवाल है, भारत की सरकार का सवाल है, भारत के सुरक्षा बलों का सवाल है, वो एक के बाद एक कड़े और बड़े फैसले ले रहे हैं, जिससे कि आतंकवादियों की कमर टूट रही है, उनकी चीखें निकल रही हैं, और आने वाले दिनों में इस बात का एहसास पूरे देश को होगा, पूरी दुनिया को होगा। आज रामपुर में कितने किसानों को इसका लाभ मिला? आज 57,000 किसानों को रामपुर में मिला है और करोड़ों किसानों को पूरे देश में उससे लाभान्वित हुए हैं। लेकिन ये नंबर केवल आज अकेला नहीं है, ये संख्या और भी बढ़ेगी। ये कितने चरणों में चढ़ेगा सर? कितने नहीं, इसमें जो है वो तीन फेजेस में, पहले 2,000 जाएगा जो चला गया आज, उसके बाद 2,000 और उसके बाद 2,000, तीन फेजेस में पैसे मिलेंगे। देखो, राहुल गांधी जी जो है वो झूठ का झाड़ है, और झूठ के झाड़ जो जब झूठ का झाड़ सच के पहाड़ के नीचे आता है तो उसकी हालत ऐसी होती है।